बच्चों और अलंकारों को पढ़ने से पहले हम अलंकार के विषय में अब तक जो पढ़ चुके हैं उसकी एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। हमने पढ़ा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, आभूषण यानी गहना, और काव्य में गहने जो होते हैं वो अलंकार होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसके कारण, जिन शब्दों के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। जहाँ शब्दों के कारण सौंदर्य बढ़ता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्दों के कारण है तो शब्दालंकार, अर्थ के कारण है तो अर्थालंकार। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का उदाहरण है, जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण या अक्षर बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ त त वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक से अधिक बार होते ही अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा हमने किया यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण लिया था हमने कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कनक के यहाँ दो अर्थ हैं।